धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। युगेश कुमार सन ऑफ श्री कृष्ण चंद पानी समति संगरूर हरेड़ी रोड तो पिता जी की रहमत भरिया करिश्मा आप सब के सामने रख रहा। पिता जी के वचन ने कि बेटा तुसी दीन दुखिया की मदद कर दियो तां थोड़े मौत जैसे भयानक कर्म भी एक मिसरी के दाने जैसे कट देने। बेटा की होया कि 21 तरीक 21-8-2022 मैं दीन दुखिया की मदद करन दा मौका मिलिया ते 22 तरीक नू मैं प्रसाद के रूप मिसरी भेजी गई ते शाम दा समा सी करीब 3:30 दा पापा रैसट कर रहे सी ते मैं दुकान ते आपदा कम कार कर रहा सीगा। अचानक मेरी मम्मी ने रौला पाया ते बबली जल्दी आ तेरे पापा नू पता नहीं की हो गया। तो मैं दुकान तो कम छड के एकदम जो उन्होंने को गया तो पूरा परिवार इकट्ठा हो गया नौकर वगैरह भी आ गए तो जो तो देखा सी ने तो पापा नू बिल्कुल भी सह वगैरह नहीं आ रहा सीगा। असी आस पास के कुछ इकट्ठे हुए लोग तो देखिया कहिंदे भी आपां इहनू डॉक्टर को लै चलीए। मैं क्या भी एक मिनट रोको तो मैं आपदा फैमिली डॉक्टर बुला लैंदा तो मैं आपदे फैमिली डॉक्टर नू फोन करिया। कुछ मिनटों के विच ही वो फैमिली डॉक्टर भी घर आया तो उसने यानी कि मेरे पापा की छाती नू बड़ी जोर नाल प्रेस वगैरह किया तो इन विच ही 10-15 मिनट निकल चुके सी ते पापा की जानी कि जबान बिल्कुल बंद हो चुकी थी अखां खड़ गई सी ते हाथ पैर सब कुछ नीले हो चुके सी। ते जदों यानी कि उन्हें मेरे कनी इशारा किया भी शायद नहीं तो मेरे अचानक ही मन दे विच दिमाग दे विच आया। मैं आपदी मिसिज नू कहा भी बॉबी तू रात जिहड़ा पिता ने प्रसाद भेजा सी तू जल्दी लैके आना हो ते वो बड़ा यानी कि उन्हें यानी कि जो लभना कुछ शुरू किया पर उन्हें प्रसाद नहीं मिलिया। मैं पापा नू छड़ के मैं कहा तू साइड ते हो मैं वो प्रसाद लैके आना ते मैं जो प्रसाद भज के लैके आया ते मैंने जो सिर्फ एक मिसरी का दाना ते बड़े जोर नाल आपदे पापा का मूँह खोलिया खोल के ते मैंने एक दाना सिर्फ पापा के मूँह तो आपकी उंगल नाल बड़े जोर नाल पा दिता ते जो मैं जोर नाल वो दाना पापा के हल्क तक गया तो पापा ने उस पलों के विच ही आपदियां अखां चमकाइयां ते मेरे मूँह चो उस टाइम ही नारा लग्या धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ते मैं डॉक्टर साहब नूं भी कहा मां डॉक्टर साहब तुसी आपदा जोर ला लिया ते हुण साडे सतगुर ने भी कम करता आपदा ते हुण मेरे पापा नूं कुछ नहीं हुंदा। ते उस तो बाद मेरे पापा ने डॉक्टर साहब ने दोबारा पुश किया तो मेरे पापा नू दोबारे सह चलन लग गए तो वो डॉक्टर साहब कहिंदे भी हुण शायद ये खतरे तो बाहर ने पर आप एक बार इन्हों डॉक्टर को जरूर लैके चलांगे। मैं क्या ठीक है जी। इस तो बाद डॉक्टर साहब आपके क्लीनिक चले गए तो घंटे बाद दोबारा फिर डॉक्टर का फोन आ रहा मेरे को कि बबली तू आपके पापा नू हॉस्पिटल लै गया। मैं क्या यार हॉस्पिटल भी वो तो मेरे को दुकान पर दोबारा काम कर रहे ने आप बैठने तो वीडियो कॉल करके देख ला यार। कहना ये किमें हो सकता है तेरे पापा कहना मेरे को वीडियो कॉल उन्होंने यानी कि जी फोन पर रिकॉर्डिंग है वह भी फोन के विच पई है तो कहना ये किमें हो सकता है मैं मेरा 40 साल का तजर्बा है भी तेरे पापा चले गए सी ए तेरे सतगुर ने तेनू वापस भेज दते ने हो। ते मैं उन्होंने गल मन के अगले दिन दोबारा फिर डॉक्टर गौरव मित्तल हार्ट स्पैशलिस्ट संगरूर उन्हां कोल लैके गया ते लैके जाण तों बाद उन्हां दे कहन मुताबिक उन्हां दा MRI और सारे टैसट कराए पर जिस तों लास्ट ते उन्हां दे रिपोर्टां दे विच डिक्लेयर कीता वी इन्हां नूं इहो जी कोई बीमारी नहीं सीगी जिहदे करके इन्हां नूं कोई दिक्कत आई इह कोई इन्हां दा करम सीगा जिहड़ा कट्टिया गया। सतगुर रहमत करदा है ते जिहदे कि प्रत्यक्ष नूं प्रमाण दी जरूरत नहीं। पहला असीं सुनते होंगे सीगे भी एक मिश्री का दाना किसी की जान बख्श सकता है पर अज मेरे नाल वापरिया ते फिर मैं वाकई होया भी सतगुर सतगुर है कुछ भी कर सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।